incoming students, 10th class English medium, most likely in this video. In this video, we will read blood, blood vessels, and blood circulation. Today, we will read the structure of heart. In this video, we study the structure of heart. In this video, first of all, Leydig diagram with hearts. देखिएगा, आज की वीडियो में बात करेंगे हृदय की संरचना. हृदय की संरचना एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की स्टडी करने के लिए अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यदि हम ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक से समझे तो हमें हार्ट की स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा सा फायदा मिलेगा. अब हार्ट है क्या? देखो स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे हार्ट होता कैसा, हार्ट कहाँ पर है, कौन कौन से उसके ऑर्गन से पार्ट है, उनके बारे में स्टडी करेंगे. नॉर्मली हम ये जानते हैं जो हमारे लंग्स है तो हार्ट इज लोकेटेड ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स. हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी कहते हैं बेटा पक्ष भाग, ये जो पसलियों के नीचे का भाग है जहां पर दोनों और लंग्स है, एक लंग्स इधर है तेरे इधर, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट लंग्स दोनों के बिटवीन हार्ट उपस्थित. तो हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स इन थोरेसिक कैविटी. अब यदि देखें तो हार्ट बॉडी में थोड़ा सा बायों बिटवीन लंग्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा. यानी यदि हम एक ट्रांसवर्स वर्टिकल सेक्शन एक काटे जैसे इस तरह तो जो वर्टिकल व्यू है वो हार्ट से नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट मिड में नहीं होता, मिड से थोड़ा बाई लेफ्ट साइड होता. हार्ट हमारी बॉडी का एक सॉफ्ट ऑर्गन है जिसके चार चैम्बर होते हैं, टू आर्टेरियम एंड टू वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आर्टेरियम लेफ्ट लेफ्ट आर्टेरियम लेफ्ट लेफ्ट आर्टेरियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये दो आलिंदो दो मिले, ठीक है. इन दोनों आलिंदो मिले के बीच सेप्टम है, सेप्टम आर्टेरियम सेप्टम एंड वेंट्रिकल सेप्टम जो इनको बांध देता है. यदि हम आकार की करें तो यदि हम साइज देखें आर्टेरियम साइज इज मोर देन वेंट्रिकल, आर्टेरियम का जो साइज है आलिंदो का ऊपर वाले जो चैम्बर है अपर चैम्बर जो साइड है वो लोअर चैम्बर से अधिक होती है, यानी आलिंदो का आकार एट्रियम का जो साइड है वो वेंट्रिकल से बड़ा होता है. लेकिन अब यदि वाल्स देखें तो वाल्स वेंट्रिकल की ज्यादा कैपेबल होती है, मोटी होती है, थिकनेस होती है क्योंकि वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो अधिक होता है. आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इसके लिए सबसे पहले हम लैबिंग डायग्राम बनाएंगे. आपको चित्र सुंदर
सबसे पहले पार्ट इधर लेते हैं राइट साइड। देखो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ये राइट पार्ट है और इधर लेफ्ट पार्ट है, और जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं ये लेफ्ट और इधर राइट, क्योंकि बायोलॉजी लिविंग है और केमिस्ट्री फिजिक्स नॉन लिविंग। यहाँ हम देखिए बात करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, जिसमें बनाना होगा तो मेरे हाथों और हाथ के मैं किस तरह से बना रहा हूँ, लेडी बनवा के किस पार्ट को देखने का ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि मैं किस तरह इसको बना रहा हूँ। अपर चैम्बर एंड लोअर यहां होते हैं प्रोकेंद्रिय फाइबर्स, देखिए यहां पर से मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं जो पार्ट ऑफ बॉडी से जो प्योर ब्लड आता है तो लोअर जो ऑर्गन से निचले पार्ट उनसे जो यहां से ब्लड आएगा अपर पार्ट से यहां से, तो ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हें हम करेंगे अपर वेना कैवा एंड लोअर वेना कैवा। अपर एंड लोअर वेना यहाँ ये राइट साइड है, यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल और इस वाल से ब्लड यहाँ पर आ जाता है, ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा इधर ब्लड आता है, तो यहाँ से एक और ब्लड वेसल्स होती है कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से यहां पर लगा होता है डाइकस्पिड वाल, यहां डाइकस्पिड वाल होता है, इस वाल के द्वारा ये ब्लड इसमें आ जाता है O2, ये CO2 ब्लड है ये O2 ब्लड है, ठीक है यहां इसका जब प्रेशर होगा प्रेशर बढ़ने पर यहां से ब्लड यहां से और ब्लड वेसल्स निकलेगी और ये ब्लड वेसल्स देखिए आप देखिए पार्ट के लिए देखिए ये ब्लड वेसल्स यानी आयरन यहां से निकल रही है महाधमनी के अंदर, ये इसको क्रॉस करेगी, ठीक है और क्रॉस करके पार्ट में कोई बहुत बड़ा ब्लड नहीं है,
इस तरह यहाँ पर भी कहता है महानदी के तेज की और ज्यादा चैम्बरों में डिवाइड हो जाती है। ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड, ये है डाइकस्पिड वाल, डाइकस्पिड वाल एंड ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड वाल। लेकिन आप उस डायग्राम बनाने की बजाय आप जो ग्रुप में बना रहा हूँ डायग्राम को बनाओगे ज्यादा ऐसी रहेगा, क्योंकि ये एक पार्ट क्लियर आपके सामने के ट्यूब वेसल्स ने आपको बनाई है। डाइकस्पिड को दूसरा बाइकस्पिड वाल भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल। ऐसे ही यहाँ पर जो वाल है इस वाल को कहेंगे डाइकस्पिड वाल। चलो इस नाम को भी थोड़ा डायग्राम में कंप्लीट आपके देखो कोर चैम्बर आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट
एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो यदि हम कहें हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक पार्ट विटवीन लंग्स। हार्ट में फोर चैम्बर होते हैं, नंबर वन राइट एट्रियम, यानी टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल्स, अपर साइड एट्रियम एंड लोअर साइड वेंट्रिकल। एट्रियम डिवाइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इसी प्रकार देखिए वेंट्रिकल डिवाइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। साइज में देखें तो एट्रियम से बड़ा साइज वेंट्रिकल का होता है, इसकी बात ज्यादा थिकनेस होती है, मोटी होती है, ठीक है। आर्ट्रियम लेफ्ट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बिटवीन यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल होता है, जिसे थ्री वेल का पार्ट कहेंगे, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन ट्राइकस्पिड वाल होता है, जिसे थ्री वेल का पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो यहाँ से क्यों निकली, इसको कहा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये पल्मोनरी कहते हैं, ये लंग्स के लिए ब्लड लेकर जा रही है, लंग्स में जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें जो ब्लड होता है वो CO2 ब्लड होता है, प्योर होता है, क्योंकि लंग्स में जा रही है प्योरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ब्लड जाता है, लंग्स की एल्वोली में प्योरिफिकेशन के बाद वहां से जो ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आ जाता है। अब हार्ट से लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर जो प्योर ब्लड आया है ये ब्लड एरा के द्वारा यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्ट ऑफ बॉडी या विमेन ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन देखिए, ठीक है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसको डायग्राम के अंदर आप देखिए यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें समझना है। स्ट्रक्चर का मतलब जो हमें दिख रहा है वो इसकी स्ट्रक्चर है, और जो फंक्शन में फंक्शन सब देखेंगे कि काम कैसे करेगा, मतलब कि प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के अंगों से ब्लड ब्लड सर्कुलेट होकर कहा आता है, अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा से आएगा और राइट एट्रियम में एक प्योर ब्लड आ जाता है, एक लोअर वेना केवा और एक अपर वेना केवा, दोनों से ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम, और ब्लड कैसा है एक प्योर ब्लड। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल की द्वारा जो ब्लड है वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, एक प्योर ब्लड है, ठीक है। जैसे ही एट्रियम का संकुचन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन होता है, तभी ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ से ब्लड, देखो इम्प्योर ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, और लंग्स में प्योरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आ जाता है। हार्ट का कौन सा लेफ्ट आर्टरी में आ गया, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। इस इन वाल्व का काम क्या है, ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने नहीं देना, कि ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट अपोजिट डायरेक्शन, कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड नहीं जाए। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ से ब्लड प्योर ब्लड वो टू ब्लड है, उसी से जो प्योर बिगिनर हो गया प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो ये संकुचित हो जाता है, और यहाँ से प्योर ब्लड इस ऑर्टा के द्वारा, ऑर्टा कहते हैं महान होती है, इस ऑर्टा के द्वारा पार्ट ऑफ बॉडी को वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस प्रकार जो दिख रहा है वो संरचना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसका वर्किंग प्रोसेस है। इसके अंदर वाल्स कितने काम कर रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्स ऐसे सैनिक ट्यूब्स यहाँ पर होती है, आपके काम नलिका है, ये नलिका का काम भी क्या है, ब्लड को एक निश्चित जो डायरेक्शन है उसी में, जैसा डायग्राम दिख रहा है वैसा आप देख करके इसको समझने का प्रयास करें। अब कुछ लाइंस जो मैं अंडरलाइन करके आपको पीडीएफ में डालूंगा वो आप इसमें कंप्लीटली लग करना। पहली लाइन, हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है थोरेसिक कैविटी के पक्षभाग में स्थित है, और वो भी मेंबर के मध्य में, इट इज स्लाइटली टाइट टू द लेफ्ट, और जो भी थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ। हार्ट इज मेजोडर्मली डिवाइडेड बाय लंग्स लोकेटेड इन द
मेडिस्टिनम इट इज द प्रोटेक्ट बाई डबल लेयर पेरिकार्डियम इन अ थर्ड। ये जो मेजोडर्मल है देखो हमारी जो स्किन है या हमारे टिश्यू है इनमें थ्री लेयर्स होती है एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड तो ये जो थर्ड है इसका जो एवोल्यूशन हुआ वो मेजोडर्म से हुआ और इसकी सुरक्षा के लिए पेरिकार्डियम चाहते हैं हृदय वरण होता है। यदि हम इसके देखें पूरा कंप्लीटली तो यहां पर एक आरडीएम पेरिकार्डियम होता है हृदय वरण कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड द पेरिकार्डियल ट्यूब उसमें हृदय वृणीग्रह भरा होता है पेरिकार्डियल ट्यूब भरा होता है इट इज रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू इट ऑल्सो प्रोसेस द हार्ट मेकिंग सॉफ्ट। द हार्ट इज फोर चैम्बर चार कक्ष होते हैं टू अपर आर्ट्रियम एंड टू लोअर वेंट्रिकल दो ऊपर आर्ट्रियम है जिन्हें आलिंद कहते हैं और नीचे दो वेंट्रिकल है जिन्हें निलय कहते हैं दो आलिंद दो निलय तो फोर चैम्बर है। और देखिए मानव के जितने भी स्तनधारी हैं मैमल्स हैं सभी में चैम्बर फोर होते हैं जिसे फिश है मछलियां हैं एक्वेटिक एनिमल्स में हार्ट में चैम्बर टू होते हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट में चैम्बर फोर होते हैं। अब जो शरीर सर पे हम देखें तो इनमें भी लगभग तीन ही चैम्बर हैं लेकिन जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है उसमें चार चैम्बर हो जाते हैं ठीक है। उसके बाद एवियन पक्षी वर्ग और मैमेलिया के शरीर में हार्ट में चार चैम्बर होते हैं तो हार्ट इज फोर चैम्बर टू अपर आर्टरी एंड टू लोअर वेंट्रिकल द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द यदि हम बात देखते हैं तो वेंट्रिकल की वाल आर्ट्रियम से ज्यादा मजबूत होती है। द एट्रियम आर सेपरेटेड बाई एन इंटर एट्रियल सेप्टम ये इंटर एट्रियल सेप्टम है और ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टम है ये भी सेप्टम और ये भी सेप्टम है जो डिवाइड कर रहा है वेंट्रिकल। अब देखिए इनके अंदर वाल एक है ट्राइकस्पिड वाल एक है बाइकस्पिड वाल ट्राइकस्पिड वाल कहां है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के तो ट्राइकस्पिड वाल का वाल फॉर्मेट को थ्री मस्कुलर फ्लैट जो तीन परतों का बना है विच गार्ड ऑफ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सेकेंड बाइकस्पिड वाल द वॉल्स विच गार्ड ऑफ द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में टू फ्लैट इसके अंदर टू फ्लैट है इसके अंदर थ्री फ्लैट है और इनका काम है जो जो ब्लड आता है राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में लाना ये फंक्शन है ट्राइकस्पिड वाल का और लेफ्ट साइड टू लेफ्ट एट्रियम ब्लड में और राइट वेंट्रिकल में ये बाइकस्पिड वाल फंक्शन है। कुछ होते हैं सेमिनिफेरस वाल सेमिनिफेरस वाल जो नलिका है इनके पॉइंटों पर लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं अर्धचंद्राकार नलिका है। तो सेमिनिफेरस वाल का वाल्स प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर अलाउड ऑफ द एंट्री ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एफका रेस्पेक्टिवली दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इनका मेन काम है कि जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। देन रोल्स ऑफ वेरियस चैम्बर्स अपर राइट चैम्बर्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब अपर राइट चैम्बर ये जो चैम्बर है ये चैम्बर ब्लड को क्या करते हैं स्टोर करते हैं यहाँ पर आता है प्योर ब्लड यहाँ पे आता है प्योर तो ये पाल्स के द्वारा पढ़ा जाता है यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड फॉरवर्ड से ले जाता है लंग्स में तो यहाँ से ब्लड जाता है पार्ट ऑफ बॉडी में इस तरह इसका फंक्शन भी काम करता है। लोअर राइट चैम्बर पंप्स ब्लड टू द लंग्स अपर लेफ्ट चैम्बर रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स लोअर लेफ्ट चैम्बर पंप्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्रत्येक फंक्शन से यहाँ फंक्शन इसी प्रकार यानी यहाँ जो ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में ये पार्ट ऑफ बॉडी से रिसीव किया गया है और जो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है ये एट्रियम से आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है पल्मोनरी वेन्स
ध्यान से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इसकी स्टडी को कंप्लीट करेंगे या मेरे क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये डबल सर्कुलेशन क्या है? एक प्रोसेस का वर्किंग प्रोसेस। इस वर्किंग प्रोसेस को आपको मैं कल एक नए वीडियो में शेयर करूंगा, तब तक आप इसी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, डायग्राम को बनाएं, इसकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें। तो आज के वीडियो में देखिएगा और वर्किंग प्रोसेस आपको समझा दिया। इसका वर्किंग प्रोसेस में डबल सर्कुलेशन में भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कल मैं बात करूंगा।